एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ पिछले 7-7.5 सालों में 22 पेपर लीक्स होते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, नौजवानों के साथ जो वहां किया जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा, नौजवानों का भविष्य तबाह किया जा रहा है, किस बात का गौरव यात्रा है? जरा जवाब दें नौजवानों को। स्कूल के पर्चे भी अगर लीक हो जाएं, बताइए वहां सरकार क्या है? सरकार है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे तब हुआ, आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री रही तब हुआ, विजय रूपानी जी मुख्यमंत्री रहे तब हुआ, और अब भूपेंद्र पटेल जी के वक्त हो रहा है। वन रक्षक हो, पटवारी हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, स्कूल हो, तमाम पर्चे लीक हो रहे हो, नौजवान तैयारी करता है, निवेश करता है अपने समय की, अपने पैसे की, उसके बाद वो पर्चा लीक हो जाता है, टल जाता है, उसका पूरा जो प्लानिंग होती है भविष्य की वो तबाह हो जाती है। ऐसे में मोदी जी वहां जाते हैं, अमित शाह जी वहां जाते हैं, प्रचार करते हैं, किस मुंह से प्रचार करते हैं? क्या नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत है? क्या उनसे माफी मांगेंगे फिर आकर प्रचार करेंगे?